विश्व कप में आज होगा भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से, और क्रिकेट पंडित यही कह रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका एक ऐसी टीम है जो कि भारत के लिए खतरा साबित हो सकती है। कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि भारत के खिलाफ बेहतर किए हैं और आज भी वो कर सकते हैं? सबसे पहले सुशील जी आपका धन्यवाद। और आज भारत और अफ्रीका के बीच मुकाबला ईडन गार्डन में है जो कि ऐतिहासिक मैदान है, वहां पे मैच जो होंगे ऐतिहासिक मैच होंगे। और निश्चित रूप से इंडिया इस विश्व कप में अब तक 7 मैच में 7 जीती है, 14 अंक के साथ पहले स्थान पे है और सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है। अफ्रीका भी अपने 7 में से 6 मैच जीत के वह भी क्वालिफाई कर चुकी है। आज दोनों टीमों के बीच का मुकाबला बहुत ही अच्छा होगा और जो टीम जीतेगी उसका मोरल हाई रहेगा अगले मैच के लिए। विश्व कप के बाद मैं संन्यास ले लूंगा, क्विंटन ड्विकॉक भारत के खिलाफ विश्व कप ही नहीं जब भी वो खेलते हैं खतरा भारत के लिए बड़ा साबित हुआ है। निकाक भारत के लिए है क्यों, तो 4 शतक लगा के सभी टीमों के लिए खतरा रहे हैं अभी तक और उनसे सावधान रहने की जरूरत होगी। और जैसा कि हमारे गेंदबाज प्रदर्शन कर रहे हैं उनको आज चलने नहीं देंगे, मेरा उम्मीद है कि वो आज जल्द वापस जाएंगे और भारत इस मैच में बढ़ चढ़ के खेलेगा। और रिकॉर्ड देखा जाए तो विश्व कप में भारत और अफ्रीका अब तक 5 बार भिड़े हैं, इसमें से अफ्रीका 3 बार जीती है और भारत 2 बार जीत पाया। ये डर है कि कहीं हम हार न जाए, अब 1 मैच का अंतर है लेकिन फिर भी इंडिया के पक्ष में 60% और अफ्रीका के पक्ष में 40% मैच मारूंगा क्योंकि भारत अपने दर्शकों के बीच अपने अच्छे ग्राउंड में खेलेगा। होम एडवांटेज है, होम एडवांटेज पूरा रहेगा। और के भारत की टीम में हम बात करें तो आपके कौन से ऐसे फेवरेट खिलाड़ी हैं आज वो और बेहतर करेंगे? आज रोहित शर्मा चलेंगे, आज हमें उम्मीद है रोहित शर्मा शतक मारेंगे, हम उनके बहुत बड़े फैन हैं, रोहित शर्मा मारेंगे आज शतक। क्रिकेट लवर्स हैं हम, उनसे बात करेंगे। देखें तो इनके हाथों में ये बल्ला है और इनसे भी जानेंगे अब कौन से ऐसे भारत के खिलाड़ी हैं जो बेहतरीन करेंगे। विराट कोहली जो कि आज उनका जन्मदिन है वो आज बेहतर करने का प्रयास करेंगे और सचिन की रिकॉर्ड की जो 49वां शतक है जो ओडीआई वर्ल्ड कप में सचिन की बराबरी करेंगे शतक की, और उनके में पेशेंस और धैर्य है जो कि काफी दक्षिण अफ्रीका के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। हम पूछे आपसे पीयूष जी, तो भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण आज पूरे सबाब पर है, गेंदबाजी में तो बुमराह हम लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, बुमराह शुरुआत करेंगे और उसके बाद सिराज भी एकदम, मतलब अब क्या कहें क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, साथ साथ शमी का तो कहना ही क्या है। 3 मैच में 14 विकेट लेके वो हमको लग रहा है कि 6ठे स्थान पे आ चुके हैं और आज भी हमको लग रहा है कि एक पंजा तो लगाना ही पड़ेगा शमी को। क्रिकेट प्रशंसक है उनका यही कहना है कि मोहम्मद शमी आज लगाएंगे क्रिकेट का पंच। स्पिन ट्रैक पर गेंदबाजों से उम्मीद थी कि स्पिनर अच्छा करेंगे लेकिन तेज गेंदबाजों ने लगातार बेहतरीन गेंदबाजी की और यहां से लोग यही कह रहे हैं कि आज मोहम्मद शमी हो या बुमराह हो या मोहम्मद सिराज, उन पर उम्मीदें हैं और वो अच्छा करेंगे। और विराट कोहली का है 35वां जन्मदिन, क्या वो सेलिब्रेट करेंगे? बिल्कुल, 3 शतक बचे हैं उनके, आज शतक करना होगा विराट कोहली को। विराट कोहली से शतक के उम्मीद और ईडन गार्डन में आज नजर आएगा फिर एक बार भारत और दक्षिण अफ्रीका का है महामुकाबला। मैं सुशील तिवारी, सहारा न्यूज नेटवर्क, गाजीपुर।